गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर एक दिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ नया, जो कि मुझे नहीं पता था। पूरा वीडियो देखिएगा, दो तीन चीज़ें अगेन टिप शेयर करूँगी आपके लिए, जो कि आई होप आपके काम आएंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अडेनियम सारे बीज से उगाए हैं। मेरा एक्सपीरियंस कोई मतलब पुराना नहीं है, और ये पौधा मैं खरीद कर लाई थी नर्सरी से। कल जब मैं शाम को टेरेस पर आई तो ये पौधा बिल्कुल नीचे लटक गया था, बिल्कुल बैंड हो गया था, और मुझे लगा शायद तेज़ हवा चली होगी तो उसकी वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन ये हवा की वजह से नहीं, पानी की वजह से हुआ था। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं डेली पानी डाल रही हूँ, दोनों टाइम बहुत अच्छे से पानी डाल रही हूँ, उसके बावजूद भी ये पौधा बिल्कुल बेंड हो गया था। जैसे ही मैंने शाम को इसमें पानी डाला, ये देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है। तो ये जो कहते हैं सभी लोग, एक्सपर्ट बोलते हैं कि अडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, तो मुझे लगता है ये भी आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिट्टी कैसी बना रखी है या आपकी मिट्टी का टेक्सचर किस तरीके का है। अब जैसे मैंने बिल्कुल रेतीली मिट्टी, मतलब जो नदी का रेत होता है, उसके अंदर ही पत्तियों की खाद मिलाकर मैंने ये सारे अडेनियम लगाए हुए हैं। अब चूँकि पानी बिल्कुल होल्ड नहीं होता है, तो इनमें मैं दोनों टाइम पानी डाल रही हूँ, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है 46-47 पहुँच गया है, टेरिस का तो पहुँच ही जाता है, तो मुझे दोनों टाइम पानी डालना पड़ रहा है और मैं डेली डाल रही हूँ। और ये जो छोटी छोटी सैपलिंग हैं, इनमें सब में डाल रही हूँ, मतलब कोई भी पौधा मैं नहीं छोड़ रही हूँ जिसमें दोनों टाइम पानी ना डाल रही हूँ। क्योंकि कल का एक्सपीरियंस जो हुआ वो तो बिल्कुल 100% श्योर हो गई कि इसको भी पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, ये डेजर्ट रोज़ है, रेगिस्तान में खिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको पता है इसकी रूट्स नीचे तक जाती होंगी, गहराई तक, और डेजर्टिक जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रात का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है। दिन में गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन रात का ठंडा हो जाता है, तो ये मेंटेन करता है सारा का सारा जो मिट्टी में जीवन होता है वो। क्योंकि जो चीज़ सीखी है कि अगर आप नेचुरल तरीके से बागवानी कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, तो मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारा जो जीव तंत्र है वो रहता है। तो हर एक सेकंड में जीव मरते रहते हैं, और उनकी बॉडी के अंदर जो तत्व होते हैं, जो कि पौधों को पोषण तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ ही पानी की उपलब्धता भी कराते हैं। और जो भी पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं वो वहीं की वहीं डिकम्पोज्ड होती हैं, तो वो अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रहते हैं। इसलिए ज़मीन में इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट पॉट्स में लगा रहे हैं। और अगर आपकी बिल्कुल पोरस मिट्टी है, जिसमें या खंगर में उगा रहे हैं या फिर आप नदी के रेत में, तो आपको पानी दोनों टाइम देना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो देखिए, देखिए इसके बारे में, लैंटाना के बारे में कहा जाता है ये पौधा जहाँ भी उग जाता है दूसरे पौधे को नहीं उगने देता है। ये मैंने भी सुना है, पढ़ा है, काफ़ी टाइम से पढ़ती आ रही हूँ। ये मेरे पास ट्रॉफ वैरायटी है, जो छोटी वाली बोनी पौधा होता है, हो सकता है जंगली वाले के नीचे ना उगता हो, लेकिन देखिए इसी पॉट में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैंने लगाया था बास्केट प्लांट, जो कि ग्रो कर रहा है। इसी के अंदर देखिए विंका लगा हुआ है, विंका पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये लगा हुआ है, ये मैंने इसमें से अभी निकाल दिया काफ़ी सारा। ये जो टर्टल वाइन की छोटी वाली वैरायटी होती है वॉलिवियन ज्यू, वो भी देखिए लगी हुई है और काफ़ी फैल रही थी, जो मैंने अभी हटा दी है। तो डिपेंड करता है कि पौधा किस वैरायटी का है, किस तरीके का है, और प्रकृति में सब कुछ पॉसिबल है। देखिए ये आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर ये बास्केट प्लांट है जो कि पिछले 6-8 महीने से रखा हुआ है और रूट्स इसने अंदर तक ले गया है ये, और ये तो आप देख ही पा रहे हैं कहाँ से देखिए निकल के आया है और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने अभी पानी लगाया है, क्योंकि मैं अभी इन दिनों में 9 बजे पानी लगा रही हूँ, और क्योंकि दोपहर में फिर मुझे नहीं आना पड़ता है, फिर शाम को 4-4:30-5 बजे के आसपास पानी लगाती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतना तेज़ धूप होता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है सारे प्लांट्स में पानी देना। तो मैं अभी लगा के जाती हूँ तो दोपहर निकल जाती है, हालाँकि दोपहर में बहुत मुरझा जाते हैं पौधे, पर कुछ कर नहीं सकते। अब पौधों को बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, पास पास सटा सटा के रख दिया है, बीच बीच में पानी के बर्तन भर के रख दिए हैं, जिससे कि जो जब धूप की किरणें पड़ती हैं उस पानी के ऊपर तो इवेपोरेट होता है, तो बर्ड्स के लिए और जो बीज वगैरह आती हैं उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ वो एक ऑरा मेंटेन कर देता है, यानी कि एक एटमॉस्फेयर मेंटेन कर देता है। इवेपोरेशन होता है जब ह्यूमिडिटी का, तो पौधे ठीक रहते हैं। और मेरे हर जगह इस तरीके से बर्तन भरे हुए रखे हैं, जैसे देखिए अम्ब्रेला पाम पानी के अंदर लगा हुआ है, बीच बीच में हर जगह पर है। और कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, तो मैसेज था एक मैम का कि मैम कैसे डाल रही हैं, कितना डाल रही हैं। तो देखिए पौधे के अकॉर्डिंग डालती हूँ मैं। जैसे देखिए ये बकेट में सारे आप पील्स देख रहे होंगे, इसके अंदर तरबूज, खरबूज, ये आम, केले, सबके छिलके हैं, मिक्स करके रख देती हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा डिकम्पोजर डाल के रखती हूँ, डिकम्पोजर नहीं है तो बायोएंजाइम डाल दीजिएगा, बायोएंजाइम में नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, उसकी वजह से फर्मेंटेशन फास्ट हो जाता है। आफ्टर 3 डेज़
ये रेडी हो जाता है डालने के लिए, उसके बाद आप डेली भी डाल सकते हैं। अगर 20 लीटर की बकेट में एक मग मिलाइए और सारे प्लांट्स को पिला दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ गर्मियों में, क्योंकि सॉलिड खाद नहीं डालती हूँ। तो जैसे आज मैंने डाला है तो मैं कल भी डाल दूँगी, क्योंकि परसों भी मैंने डाला था। तो ऐसे करके सिर्फ 20 लीटर की बकेट में मैं एक मग मीन्स एक लीटर का मग है वो मैं भर के डाल देती हूँ और उस पानी को सारे पौधों में डाल देती हूँ। कोई नुकसान नहीं करता है, आप डाल सकते हैं। दूसरा जो पील्स दबाने का काम है कि डायरेक्ट मिट्टी में पील्स दबाने का, देखिए उसमें बहुत सावधानी बरतिएगा। फिर से मैं क्लियर कर दे रही हूँ, तेज़ गर्मियाँ हैं, जो किचन वेस्ट होता है वो हीट जनरेट करता है, तो बहुत ज़्यादा पौधे के पास में मत दबाइएगा, पौधे से काफ़ी दूरी पर दबाइएगा, यानी कि उसके स्टेम से काफ़ी दूरी पर, और मिट्टी से उसे ढक दीजिएगा और कोशिश करिएगा बहुत थोड़ा थोड़ा भर भर के मत दबा दीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ सकते हैं या कुछ नुकसान हो सकता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और एक मैम का सवाल था कि मैम ट्रे गार्डन्स में पानी कैसे दें, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए, ट्रे गार्डन्स को उठाकर ऐसी जगह पर रख लीजिए पेड़ों की छांव में, जहां पर इनको तेज़ धूप ना मिले, उससे ये बच सकें, और कोशिश करिए दिन में दो बार पानी डाल सकें तो बेटर रहेगा। नहीं तो इनके नीचे कोई प्लेट और रख दें जिसमें हल्का सा पानी भर के रख दें, तो इनसे इनकी मिट्टी सूखेगी नहीं और इनमें जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो एकदम से हेल्दी रहेंगे। ये देखिए मेरा जो ढक्कन था, मैंने आपके साथ शेयर किया था बाल्टी का, इस पर ये बास्केट प्लांट लगा हुआ है, टर्टल वाइन, बिल्कुल ग्रीन है, बट हाँ, क्योंकि मैंने मिट्टी के अंदर आपको पता है क्या चीज़ मिक्स की थी और क्या नीचे इसमें भरा था, उसकी वजह से ही शायद गर्मी में इतनी तेज़ धूप में भी ये अच्छे से चल पा रहे हैं। और मेरे सारे आइडियाज़ 100% वर्क करते हैं, आप अप्लाई करके देखा करिए। अगर आपने केमिकल बंद जस्ट अभी किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके गार्डन को मेंटेन होने में, लेकिन यकीन मानिए हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस एक कॉन्सेप्ट अपना लीजिएगा, तेरा तुझको अर्पण, फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।